यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 के बारे में आप लोगों के कमेंट हमें लगातार मिलते रहते हैं वीडियोस के नीचे, जिसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि प्री का रिजल्ट कब तक आएगा और प्री के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेंस कब तक होगा और मेंस के लिए सिलेबस क्या होगा। दोस्तों, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो में और बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि 5 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि लोअर पीसीएस 2019 प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट को अगर आप 21 नंबर पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया लोअर पीसीएस के बारे में कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो रिटेन का एग्जाम हुआ है, यानी कि प्री की परीक्षा संपन्न हुई है और इसके लिए जो आंसर की है वो 4 अक्टूबर 2019 को जारी की गई है। दिसंबर के महीने में लिखित परीक्षा का परिणाम संभावित है, यानी कि दिसंबर के माह में आपका लोअर पीसीएस प्री 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूपी ट्रिपल एससी। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर आंसर होता है कि अगर आप लोअर पीसीएस प्री 2019 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आएगा दिसंबर के महीने में। दोस्तों, इसी के साथ हम सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मेंस का जो सिलेबस होगा वो क्या हो सकता है। देखिए, जो मेंस का सिलेबस होगा उसमें कुल मिला के 2 पेपर होंगे और दोनों ही जो पेपर होंगे उनमें 2-2 पार्ट में वो पेपर बटा रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मैक्सिमम 200 मार्क का होगा और इस प्रकार से कुल मिला के 400 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा होगी। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा ये जनरल इंटेलिजेंस का होगा, जिसमें से 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 50। सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस पर आधारित आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 150। यानी कि पहले पेपर में ज्यादा वेटेज दिया गया है जीएस को, तो आपको जीएस पर ज्यादा फोकस करना होगा। और जो पहला पेपर होगा 1 घंटे 30 मिनट का होगा, दूसरा पेपर भी इतने ही समय का होगा यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का होगा। सेकेंड पेपर जो होगा फ्रेंड्स, ये भी 2 पार्ट में होगा। जो पहला पार्ट होगा वो सामान्य विज्ञान और अंकगणित का होगा। सामान्य विज्ञान और अंकगणित से आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए निर्धारित अंक होंगे 150। सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न होंगे और इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 50। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसके लिए मैक्सिमम मार्क होगा 200 और पेपर 2 में भी कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। ऑल ओवर जो मेरिट बनेगी वो 400 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, कुल 1/4 अंक आपको पनिश किया जाएगा। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों के लगातार गलत जवाब देते हैं, यानी कि 4 प्रश्नों के अगर गलत जवाब आपने दिए तो 1 सही प्रश्न का उत्तर देने पर जो आपको अंक प्राप्त होगा वो आपका कट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया यहाँ पर अगर आप 1 सही जवाब देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा और 1 क्वेश्चन का अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका होगा फाइनली ये पेपर जो होगा वो कंप्लीट होगा। और एक बात और, ये जो प्रश्नों का लेवल होगा वो काफी हाई होगा, यानी कि जो कठिनाई स्तर होगा वो उच्च होगा। प्री में जो कठिनाई का लेवल था वो मॉडरेट लेवल रखा गया था, कारण ये था कि ये परीक्षा जो प्री वाली थी वो 4 शिफ्टों में हुई थी, तो निश्चित रूप से जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि कुछ शिफ्टों के जो क्वेश्चन पेपर थे वो आसान थे, इजी थे, और कुछ शिफ्ट जो थे वो हार्ड थे और कुछ मॉडरेट थे। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी अपनाने के बाद ही कट ऑफ लगाई जाएगी और इस प्रकार से जो फाइनल कट ऑफ होगी उसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक हैं उनमें से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में जो टॉपिक थे उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर दोबारा कि सारे प्रश्न होंगे वो MCQs होंगे, यानी कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के जो प्रश्न होंगे इनकी संख्या 25 होगी और इनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, जिसमें युक्त संगत और आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यता पर संबंधित प्रश्न होंगे, डायग्राम पर संबंधित प्रश्न भी होंगे और मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सबसे ज्यादा फोकस आपको करना होगा और इसमें कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी फैक्ट लाइक शिक्षा, संस्कृति, करेंट, जनसंख्या, व्यापार, ललित कला और फॉग जो यहाँ पर डांसेस वगैरह होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अंतर व्यक्ति क्षमता और मानव व्यवहार से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे।
भारत का इतिहास में प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत से होते हुए आधुनिक कालीन भारत पर सभी पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न होंगे वो आधुनिक भारत पर ही फोकस रहेंगे, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न होंगे उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए लगातार आप हमारे साथ देखिए। मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस प्री के लिए जो मैं मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, वो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए भी इतना ही जो है काम मतलब कारगर होगा। तो यानी कि दोनों के जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो सामान्य ज्ञान के, ये दोनों में काम करेंगे। तो अब से जो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा उससे आपको दोनों में तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो जो भी मॉक टेस्ट मैं अवेलेबल करवाता हूँ उसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे जिसमें भारत और विश्व का भूगोल और भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित प्रश्न भी आपके सामने रखे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और गांधी विचारधारा से संबंधित प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स तो अपरिहार्य है, इससे आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं, तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना होगा और अभी से करना होगा। इसके अलावा भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो पहला पेपर होगा उसके जो दो पार्ट होंगे उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर में कुल मिला के 75 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान और अंकगणित से। सामान्य विज्ञान पर ज्यादा आप फोकस करिए, क्योंकि अंकगणित में अगर आप अंकगणित के स्टूडेंट नहीं है तो आपको फैक्ट समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। फिलहाल जो लोग अंकगणित के हैं वो फायदे में रहेंगे, आपको फोकस बराबर करना है, लेकिन अगर गणित से आपको बचना है तो ज्यादातर आपको फोकस करना होगा विज्ञान पे। दोनों पर ही फोकस करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे और उसके लिए हमारी कक्षाएं लगातार अवेलेबल रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे वो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें से आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, बीमारियों के कारण, उपचार और लक्षण, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल और ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सामान्य हिंदी से संबंधित जो 25 प्रश्न होंगे सेकेंड पेपर में, उसमें अपठित गद्यांश, पत्र लेखन और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्नों के जैसे प्रश्नों का सामना आप प्री की परीक्षा में कर चुके हैं। तो इस प्रकार से लोअर पीसीएस 2019 के लिए जो परीक्षा होगी मेंस, उसमें दो पेपर आपको देने होंगे और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 400 अंकों के बेस पर बनेगी। दोनों पेपर जो होंगे वो मैक्सिमम मार्क 200 के होंगे और डेढ़ डेढ़ घंटे का आपको समय मिलेगा। आपको बता दें कि ये परीक्षा एक दिन में ही होगी और दो शिफ्टों में परीक्षा संपन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मेंस की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2019 में प्री का रिजल्ट संभावित है नोटिफिकेशन के अनुसार। तो अगर प्री का रिजल्ट दिसंबर 2019 में आ जाता है तो उसके बाद कम से कम दो महीने का समय आपको मिलेगा, यानी कि जनवरी और फरवरी 2020 के बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। यहाँ पर हम मान के ये चलेंगे कि जनवरी और फरवरी के बाद, मतलब ये मान लीजिए कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में कभी भी ये परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो आपको अपना काउंटडाउन अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए कि आपके पास समय कितना बचाओ, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होगी वो प्रारंभिक परीक्षा से काफी कठिन होगी, प्रश्नों का लेवल काफी डिफिकल्ट होगा और इसमें मात्र एक शिफ्ट में ही परीक्षा होगी। एक शिफ्ट का मतलब एक दिन में ही परीक्षा होनी है, जिसमें दो शिफ्ट होंगे। और इसी के साथ एक बात का ध्यान आपको और भी रखना है कि लगभग इस बार जो प्री की परीक्षा थी उसमें से लगभग 14,000 लोग चुने जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये बताया गया था कि मेंस के लिए लगभग 14,000 लोग चुने जाएंगे। कुल मिला के 672 पद हैं, तो 20 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ये लगभग आंकड़ा जो बैठता है 13,500 से ज्यादा का आता है, तो हम 14,000 मान लेते हैं कि 14,000 लोग लगभग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। इसलिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए मैंने आपको बताया था कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये परीक्षा चार शिफ्टों में संपन्न हुई थी और जो अलग अलग शिफ्ट थे उसमें जो डिफिकल्टी लेवल था वो अलग अलग था। कुछ शिफ्ट वेरी इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे, तो कुछ हार्ड लेवल के थे। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका 95 मिनिमम बन रहा है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना होगा। अगर आप एससी कैंडिडेट में आते हैं तो 90 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लगना होगा, और फीमेल जनरल के लिए अगर 85 प्लस हैं आप तो आपको तैयारी में लग जाना होगा। एक बात मैं आपको और यहां पर अपडेट कर देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल तन मन और अपने पूरे परिश्रम के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 का मेंस नहीं भी दे पाते हैं किसी भी कारण से,
तब भी आपका पीसीएस 2019 का प्री और 2020 का प्री निकलना बिल्कुल श्योर है। इसलिए बिल्कुल भी आप किसी भी संदेह में ना रहें, अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहें। और ये जो कट ऑफ है लगभग ये फाइनल है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। यानी कि कुल मिला के अगर जनरल ओबीसी 95 पर है तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसे आपको डाउनलोड जरूर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है ऑथेंटिक न्यूज के साथ। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सीधे सीधे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर ट्विटर पर अगर आप मैसेज करते हैं मैं उसको तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।